हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका फेस्टिवल भी बहुत अच्छा मना होगा। तो आफ्टर फेस्टिवल जो है वो अभी तक बहुत बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई अपनी, और नीट के फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कहीं ना कहीं सीट अलॉटमेंट हुआ जो उस रेंज के अंदर आ रहे थे जहाँ पे आपका कट ऑफ गया है। लेकिन वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, या अगर मिला है और वो अपने चाह रहे हैं कि मुझे अपग्रेडेशन करना है कॉलेज का, तो उस कंडीशन में जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। जब अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, आपको पता है कि उसका अब रिजल्ट जब आएगा, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो चल रही है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, मैं इसकी आपको कंप्लीट जानकारी देना चाह रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रहा है और उसको देखते हुए, और लास्ट थर्ड ईयर थ्री ईयर के जो हैं वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के कट ऑफ को देखते हुए मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, ये प्रिडिक्ट किया हुआ है कि कुछ इस तरह का कट ऑफ हो जा सकता है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से जो है मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। तो मैं आपको जानकारी में बताना चाहूँगा कि फर्स्ट राउंड में, जैसा आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड के अंदर 618 से 619 कट ऑफ रहा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि 618 मार्च पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको MBBS सीट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पाया। अब ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी के लिए भी है, OBC कैटेगरी के लिए है, और साथ ही साथ जहाँ पे EWS कैटेगरी अप्लाई है उनके लिए भी ये कंडीशन है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि जो अभी सेकेंड राउंड हमारा आने वाला है, सेकेंड राउंड में जो जनरल कैटेगरी या OBC या EWS कैटेगरी के लिए जो आपके पास कट ऑफ आने वाला है वो 605 से लेकर 610 तक कट ऑफ आएगा। इसका मतलब आपको एक बात प्रेडिक्शन मिल गया होगा कि 600 प्लस ही जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होगा, इससे नीचे में कहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना ऑल इंडिया कोटे से कम होगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं SC कैटेगरी की बात करते हैं, तो फर्स्ट राउंड का जो अभी रिजल्ट आया उसको थोड़ा सा एनालाइज करें। फर्स्ट राउंड में 521 नंबर पे SC कैटेगरी का सीट क्लोज हुआ था, और वहीं पे अगर हम सेकेंड राउंड की बात करते हैं तो जो मेरा अपना प्रिडिक्शन है, जहां से मैं देख रहा हूं एनालिसिस करके, उस एनालिसिस के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि 500 से लेकर 505 नंबर तक, मतलब 505 मार्च तक जो है वो कट ऑफ जाने की संभावना होगी SC कैटेगरी के लिए। अब हम लोग चलते हैं ST कैटेगरी की बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ST कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो मार्जिनल रहा है, डिफरेंस SC कैटेगरी से। SC कैटेगरी से लगभग 28-29 नंबर का मार्जिन रहा था ऑल इंडिया में फर्स्ट काउंसलिंग जो अभी हुआ उसके अंदर। अब अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो है वो ये गया था 492 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, और जहां तक मेरे को लग रहा है कि सेकेंड राउंड में जो ST कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है वो 480 से लेकर 485 नंबर तक हो सकता है। तब वहां पे आपको स्टेट कोटा के थ्रू, ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आराम से आपको MBBS मिलने की संभावना है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत बच्चों का मैसेज था कि सर बता दो एक बार, अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होना है और उसके बाद भी अगर प्राइवेट कॉलेज है, अगर कोई डिम्ड यूनिवर्सिटी है, अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे कुछ सीट अगर वैकेंट होते हैं, तो उसके बाद बारी आती है मॉपअप राउंड की आती है। उसके बाद आपको जो भी सीट वहाँ पे बच जाएंगे वो सारे के सारे सीट जो है वो मॉपअप राउंड के लिए इंडिविजुअल कॉलेज को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू वो मॉपअप राउंड होगा, और स्टेट काउंसलिंग जो है वो उस मॉपअप राउंड को गवर्न करके उस सीट को फिलअप करेगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि जिनके मार्क्स थोड़े कम होंगे, मान लो सेकेंड काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलता हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर सेकेंड काउंसलिंग में नहीं मिलता और आपको लग रहा है कि मेरा मार्क्स सेकेंड काउंसलिंग में जो कट ऑफ गया है उसके क्लोज है, तो आपसे मैं जरूर बोलूँगा कि मौका मत मिस करना और मॉपअप राउंड जरूर अटेम्प्ट करना, और मॉपअप राउंड में जो है वो कॉलेज पर नज़र गड़ाए रखना कि किस कॉलेज में कितना सीट है। ये आपको MCC के साइट में जो है वो मिल जाएगा, जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी तो आपको MCC के साइट पे ये मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं, और फिर वहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को मॉपअप राउंड कैसे अटेंड करना है। फिर भी अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई जानकारी लेनी हो और आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप मेरे से जो है वो मैसेज में बात कर सकते हो। मैंने बता रखा आपको इंस्टाग्राम में मुझे जो है वो आंसर कर सक क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, कोशिश पूरा करूंगा। बीच में तबीयत खराब थी पर अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं फिर से तैयार हूँ। और अगर आप में से अगले साल के बारे में सोच रहे हो तैयारी के लिए, तो मेरा सीरीज आ चुका है बिल्कुल कौन बनेगा MBBS, लगातार आएगा अभी से लेकर नीट 2021 तक के लिए, आपकी जबरदस्त तैयारी करवा दूंगा।
आपको किसी तरह से कहीं से कोई वीक नहीं पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, आपको केमिस्ट्री का मास्टर बनाऊंगा ताकि आप केमिस्ट्री के हेल्प से अपने रैंक में यहाँ से यहाँ तक उछाल ला सको। और आप बोलोगे कि सर आपने पढ़ाने में भी हमें हेल्प किया, आपने काउंसलिंग में भी हेल्प किया, और अगले साल मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक आपको पहुँचा के आऊँगा। थैंक यू सो मच, मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा, मुझे यूँ ही प्यार करते रहिएगा और मेरे चैनल को खूब सपोर्ट कीजिएगा।